फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब का डिफरेंस। ठीक है, तो एक बात मैं बता दूं, देखो मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो भले आप सब्सक्राइब मत करो, बट शेयर जरूर करो, ताकि और बहुत से ऐसे आदमी जो नहीं जानते हैं वो लोग कुछ सीख पाए मेरे वीडियो से। ठीक है, तो भले सब्सक्राइब मत करो यार, लेकिन शेयर जरूर करो अगर थोड़ा भी आपको पसंद आ रहा है तो। ठीक है, तो चलो आज कुछ मैं नहीं बताऊंगा, चलो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। वन वे एंड टू वे स्लैब का डिफरेंस, ठीक है, जो मैं पर्सनली फील किया हूँ साइट पे वही मैं बताऊंगा। बुक का तो डेफिनेशन रहेगा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो क्राइटेरिया है ही, और भी मैं कुछ बताऊंगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख लूँ पहले। ये रहा वन वे स्लैब का कॉलम और ये हो गया टू वे का। ठीक है, तो वन वे एंड टू वे में जो पहला पॉइंट जो मुझे पहला इम्पॉर्टेंट लगता है, जो मतलब क्या बोले, बुक हो आई इसको जो जो भी बोलता है वो बताता हूँ मैं। पहले तो एक स्लैब मैं ड्रॉ कर लूँ, जैसे देखो ये एक स्लैब है, ठीक है, ये है मेरा लॉन्गर स्पैन और ये है मेरा शॉर्टर स्पैन, शॉर्टर स्पैन, ठीक है, लॉन्गर स्पैन और ये हुआ शॉर्टर स्पैन। तो जब भी लॉन्गर स्पैन बाई शॉर्टर स्पैन का जो रेशियो है, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ लॉन्गर स्पैन बाई शॉर्टर स्पैन, जब देख रहे हो तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरी देखना, ये सब आप जानते हो लेकिन इसके बाद जो मैं बताऊंगा शायद वो आप नहीं जानते होगे। तो लॉन्गर स्पैन बाई शॉर्टर स्पैन व्हेन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, याद रखना ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टू होता है तब हम उसे बोलते हैं वन वे स्लैब। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे लॉन्गर स्पैन का जो लेंथ है वो है 6 और शॉर्टर स्पैन जो है ये है मेरा 2 मीटर। ठीक है, तो इसे अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा 3 मीटर। ठीक है, तो इसे तो ये जो रेशियो आया 3, ये देखो ग्रेटर देन है 2 से, तो इसे हम बोलेंगे वन वे स्लैब। और टू वे स्लैब में क्या है, लॉन्गर स्पैन बाई शॉर्टर स्पैन, यहाँ पे लॉन्गर स्पैन बाई शॉर्टर स्पैन का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए लेस देन 2। ठीक है, तो ये जो लॉन्गर स्पैन बाई शॉर्टर स्पैन का जो रेशियो है अगर 2 से कम आता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, टू वे स्लैब। जैसे सपोज लॉन्गर स्पैन 5 है शॉर्टर स्पैन 4 है, इसे अगर आप काटोगे तो जो भी आंसर आएगा देखना वो लेस देन 2 आएगा, तो इसे हम बोलेंगे टू वे स्लैब। ठीक है, तो ये हुआ मेरा पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया में आ जाते हैं, सपोज एक स्लैब है, ठीक है, मैं बहुत जगह देखा हूं आप लोगों को बताया जा रहा है कि एक स्लैब के 2 साइड जब बीम है उसे हम बोलते हैं वन वे स्लैब, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये याद रखना, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जो बोलता है कि 2 साइड बीम हो तो वो वन वे स्लैब है। और टू वे स्लैब में मैंने बहुत जगह सुना है कि 4 साइड बीम हो तो वो टू वे स्लैब है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वन वे स्लैब में अगर 2 साइड बीम है इसका जरूरी नहीं कि वो वन वे स्लैब है, वो टू वे स्लैब भी हो सकता है। ठीक है, वो टू वे स्लैब भी हो सकता है, लेकिन एक क्राइटेरिया है, ये क्या है कि वन वे स्लैब जो है एटलीस्ट सपोर्टेड बाई बीम फ्रॉम टू ऑपोजिट साइड्स, ठीक है, जो कि पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 2 साइड जो है वो बीम होना चाहिए जो कि एक दूसरे के पैरेलल होगा, उसे हम बोलेंगे वन वे स्लैब।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इधर भी बीम है तो वो वन वे नहीं है, वो वन वे हो सकता है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा वो कैसे। और इधर रहा एक स्लैब है, इसमें क्या है कि चारों साइड मेरा सपोर्ट है। ठीक है, मतलब चारों तरफ बीम है। मैं ये एटलीस्ट कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है, लिस्ट कंडीशन, ध्यान देना मेरी बातों को। तो इसे क्या बोलेंगे, एटलीस्ट सपोर्टेड बाय बीम फ्रॉम फोर साइड्स। ठीक है, ये हो गया मेरा दूसरा कंडीशन, दो कंडीशन हुआ। चलिए आगे और बताता हूँ, ठीक है। चलिए तीन नंबर पॉइंट, सपोज एक स्लैब है, ठीक है, इधर भी एक स्लैब बना देता हूं। ड्राइंग देख के पता चल रहा है ये है लॉन्गर स्पैन, लॉन्गर स्पैन को LS से मैं लिख रहा हूं, और ये शॉर्टर स्पैन, इसको SP मैं डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये है शॉर्टर स्पैन SP। अब चलो, जो सपोर्ट है, ठीक है, अच्छा मैं लोड डिस्ट्रीब्यूशन इसके पहले अच्छा बता देता हूँ। जो सपोर्ट है, सपोज देखो मेरा इधर भी बीम है, ठीक है, इधर भी बीम है, सपोज इधर भी बीम है और इधर भी बीम है, ठीक है, इसमें भी मैं बना देता हूँ चारों बीम, इधर भी बीम है, इधर भी बीम है और इधर भी बीम है, सपोज, ठीक है, मतलब स्लैब के चारों साइड बीम इसमें भी है, चारों साइड बीम इसमें भी है। अब आप कैसे पता करोगे कि कौन सा वन वे है कौन सा टू वे है? ठीक है, तो देखो वन वे का क्या है कि जो लोड आता है ना वो दो पैरेलल बीम पे आता है, दो पैरेलल सपोर्ट पे आता है। बट टू वे के केस में क्या होता है कि चारों बीम पे लोड डिवाइड होता है। ठीक है, क्या होता है, चारों बीम पे लोड डिवाइड होता है। इसमें अगर मैं मेन बार का अगर ड्राइंग बनाऊं, पहले पॉइंट लिख देता हूं, मेन बार इज प्रोवाइडेड इन वन डायरेक्शन ओनली, इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है, वो किस वे में होगा, किस डायरेक्शन में, वो देखो इस डायरेक्शन में होगा, शॉर्टर स्पैन के डायरेक्शन में। अच्छा मैं इसको रेड से कर देता हूँ, ठीक है, वो देखे होंगे आप लोग अल्टरनेट बेंट ऑफ बार, देखना ऐसे होता है। ठीक है, मेन बार जितना होगा वो अलोंग शॉर्टर स्पैन होगा, ठीक है, ये पहचान है वन वे स्लैब का। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा वो होगा लॉन्गर स्पैन, अलोंग लॉन्गर स्पैन, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट, समझ गए मेरी बात। बट टू वे स्पैन में क्या होता है, ये नहीं होता है। इसमें देखो लोड किस पे गया, इस बीम पे गया और इस बीम पे गया, इस बीम और इस बीम पे लोड नहीं गया है, बट बीम है। आप प्रैक्टिकल फीड में भी देख लेना, बीम रहता है लेकिन सपोर्ट अगर इस पे अगर मेन बार का लोड नहीं है तो उसे हम वन वे नहीं बोलेंगे। लेकिन टू वे में देखो, मेन बार इस डायरेक्शन में तो है ही, प्लस क्या होता है, इस डायरेक्शन में भी मेन बार होता है, बोथ डायरेक्शन में मेन बार आपको देखने को मिलेगा टू वे स्लैब के केस में। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें लोड डिवाइड हो रहा है इस बीम और इस बीम पे, बट इसमें क्या हो रहा है, जो लोड जा रहा है वो इस पे भी जा रहा है, इस पे भी जा रहा है, इस बीम पे भी जा रहा है और इस बीम पे भी जा रहा है, चारों बीम पे गया। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, मेन बार इज प्रोवाइडेड इन बोथ डायरेक्शन, ठीक
ठीक है, मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर होगा, लेकिन एक बार जो वीडियो देख लेगा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसका। ठीक है, 3 पॉइंट बता चुका हूँ, चौथा पॉइंट पे आता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा लोड डिस्ट्रीब्यूशन का जो ड्राइंग है वो कैसे होता है। ठीक है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन, लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो चलो मान लो ये एक स्लैब है, ठीक है, सेम ये लॉन्गर स्पैन है, ये शॉर्टर स्पैन है। यहाँ भी मैं बता दूँ, ये एक स्लैब है, ये है लॉन्गर स्पैन, ये है शॉर्टर स्पैन। तो मैं आपको बताया हूँ अभी अभी जस्ट कि मेन बार दे रहा है इस डायरेक्शन में, शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग डायरेक्शन में, तो लोड जा रहा है इस पे और इस पे, ठीक है, इस पे और इस पे। तो इसका जो पॉइंट आएगा ये कहेगा इट कैरी लोड अलोंग वन डायरेक्शन ओनली, वन डायरेक्शन ओनली। और वो डायरेक्शन क्या है देखो, ये वो डायरेक्शन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है WBT के लिए भी, कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए। तो आप ये सब एग्जाम्पल दिखा सकते हो जो मैं बता रहा हूँ। टू वे के केस में बता दूँ लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। एक्चुअली में देखो ये ऐसे होता है, मैंने तो बताया है कि चारों सपोर्ट पे जाएगा लोड डिवाइड, ठीक है। इस डायरेक्शन में भी लोड जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी लोड जाएगा, इस डायरेक्शन में भी लोड जाएगा और इस डायरेक्शन में भी लोड जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट कैरी लोड अलोंग बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन बोलने का मतलब क्या है, इन ऑल द 4 साइड्स, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हुआ 4 पॉइंट, और भी मैं सोच रहा हूँ कुछ पॉइंट बताऊँ, चलिए मैं बताता हूँ। पॉइंट नंबर 5, एक क्राइटेरिया आता है थिकनेस का, ठीक है। जनरली हम देखे हैं जो वन वे स्लैब है उसका थिकनेस ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर्ड टू टू वे स्लैब। तो इसमें क्या होता है कि थिकनेस ऑफ स्लैब इज मोर, क्यों बताता हूँ रुको। थिकनेस ऑफ स्लैब इज मोर लेस कंपेयर्ड टू वन वे, ठीक है। देखो इसमें जो रेनफोर्समेंट है, इसमें जो रेनफोर्समेंट है वो दो ही जगह, दो ही सपोर्ट पे टिका हुआ है। इस पे जो लोड आ रहा है इस स्लैब पे वो दो ही सपोर्ट पे टिका हुआ है। इसके वजह से हम क्या करते हैं, टेंशन जोन के लिए हम लोग टेंशन जोन को थोड़ा स्ट्रांग करने के लिए हम लोग कॉन्क्रीट का थिकनेस थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। बट टू वे में क्या है, हमारा मेन बार चारों बीम पे सपोर्ट, मतलब चारों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है ना टू वे स्लैब को। इस वजह से हम लोग इसके डिजाइन क्राइटेरिया में हम लोग स्लैब का थिकनेस जो है वो कम कर सकते हैं एज कंपेयर टू वन वे स्लैब, ठीक है। तो एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक पॉइंट बता दूं कि कौन सा इन दोनों में ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, कौन सा, मतलब जो बोलते हैं इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है। तो इन दोनों में मेरे ख्याल से ये बोलना बहुत मुश्किल है, आप बता नहीं सकते हो कि कौन सा ज़्यादा, किस में ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है। बट जनरली मैं जो साइट पे देखा हूँ अभी तक, बहुत कम ही कंडीशन ऐसा मिलता है, तो ये लेस इकोनॉमिकल है, इसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है वन वे में, बट टू वे में कम लगता है। तो मेरे हिसाब से मैं जो प्रैक्टिकल फील्ड में पर्सनली जो मैं फील किया हूँ उससे मैं ये जाना हूँ कि वन वे जो है वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है एज कंपेरिजन टू टू वे, ठीक है, ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है मेरा। ये कॉस्टली कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर एक स्लैब है, एक तो इसका थिकनेस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, थिकनेस मोर, प्लस इसमें हम लोग मेन बार तो इस डायरेक्शन में दे ही रहे हैं, प्लस हम लोग बाइंडर भी तो दे रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है।
अब आते हैं हम 2S लैब में। 2S लैब सस्ता क्यों पड़ता है ये देखो, मेन बार तो आ ही रहा है, मेन बार इसमें भी आ रहा था, प्लस मेन बार इसमें आ रहा है तो इसमें कौन सा रॉड नहीं लग रहा था, इसमें भी तो मैं रॉड लग रहा है ना डिस्ट्रीब्यूशन बार में स्ट्रेट, इसमें हल्का थोड़ा सा जो बेंटअप जो हो रहा है एक्स्ट्रा लग रहा होगा, ठीक है। बट इसमें ये भी तो देखो आप, कॉनक्रीट का जो थिकनेस है वो कम है, तो मोटा मोटी पूरा मिला के जब देखा जाता है तो ये सस्ता ही पड़ता है 2S स्लैब, ठीक है। और एक चीज मैं बताना चाहूँ, पहले 1W 2S स्लैब का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता देता हूँ। वो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कोई भी स्ट्रक्चर कंसल्टेंट जब डिज़ाइन करता है ना कि ये स्लैब 1W होना चाहिए या 2W होना चाहिए, ये पूरे हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम किसी भी स्लैब को 1W डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी भी स्लैब को 2W डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो खोपड़ी में घुस गया। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही, फिर कुछ नया लेके नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तो बताना कैसा लगा वीडियो, थोड़ा बड़ा हो गया है बट कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर हुआ होगा। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।